इस वीडियो का टॉपिक ये है, डबल डोर फ्रिज में आवाज आ रहा है तो उसके पीछे क्या वजह है, किस तरीके से आप अपने डबल डोर फ्रिज की प्रॉब्लम को पहचान सकोगे, मैं बताऊंगा इस वीडियो में बहुत सरल बहुत आसान तरीके। तो देखिए मेरे पास ये जो फ्रिज है डबल डोर का है, इसको इसकी जो दरवाजा है उसको खोलते ही एक अजीब सी कुछ फंसने या फिर टकराने जैसे आवाज आ रहा है। तो आपके फ्रिज में भी इसी तरीके की आवाज आ रहा होगा, तो आप क्या करेंगे ताकि अपने फ्रिज की प्रॉब्लम को पहचान ध्यान से ताकि आप अपने फ्रिज की प्रॉब्लम को पहचान सकोगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आसान तरीके से बताता हूं। तो यहां पर से जो साउंड आ रहा है वो किसी चीज की टकराने का या फिर घिसने की जैसे आवाज आता है। तो सबसे पहले आप जान लोगे इसके पीछे जो है फ्रीजर होता है, फ्रीजर में बर्फ बहुत सारा जमा होता है, तो बर्फ में यहाँ पर एक पंखा होता है, तो पंखा बर्फ से टकराने की वजह से यहाँ पर साउंड आता है। तो इसको खोलने के लिए इसके पीछे की बर्फ को गलाना होगा तभी आप इसको खोले, नहीं तो ये चीज़ नहीं खुलता है। या फिर जल्दी खोलना है तो इसमें गर्म पानी का छिड़काव करेंगे, उसके बाद इसको खोलने की कोशिश करेंगे तब ये खुलता है। तो एक दिन बंद रखने के बाद आप इसको खोलेंगे तो एक और दो स्क्रू लगे होते हैं, दोनों स्क्रू को खोलने के बाद ये वाला पार्ट इस तरीके से बाहर आ जाता है। तो जो आवाज आने का कारण होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ बना होता है जिसके कारण ये जो पंखुड़ी आप देख पा रहे हैं पंखा चलता है, तो यही पंखा बर्फ से टकराता है, तो यहाँ पर टकराने का घिसने की जैसे जो है आवाज़ वो आता है। अगर आप टेक्नीशियंस नहीं हैं तो अपने फ्रिज को एक दिन बंद करके देखें, उसके बाद इस पंखे की आवाज़ बंद हो जाता है। अगर बंद नहीं होता है तो खोलने के बाद इस तरीके से फिर से फ्रिज को पावर सप्लाई दे के देखें कि पंखा आवाज़ कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो सिंपल सा तरीका है, अपने फ्रिज को सिर्फ एक दिन के लिए बंद करेंगे तो इसकी जो पंखे की आवाज़ है वो बंद हो जाता है। ट्राई करके देख लिया है उसके बाद भी आपके फ्रिज से आवाज़ आ रहा है तो ये आपके फ्रिज के अंदर डिफ्रॉस्ट से लेकर प्रॉब्लम है, जो कि आपके फ्रिज प्रॉपर डिफ्रॉस्ट नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में फ्रिज की थर्मोस्टेट और टाइमर को चेक करना है, दोनों में से कोई एक चीज़ फॉल्ट होगा जिसे आप चेंज करेंगे तो अपने फ्रिज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकोगे। अगर टेक्नीशियंस नहीं हो तो टेक्नीशियंस की मदद यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में बताया है कि फ्रिज के पीछे आवाज़ आने का कारण क्या होता है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान तरीके हैं।